मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन वेग को अपवाद वेग भी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। सबसे पहली बात, ओम का नियम क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। यदि कोई चालक तार है, धात्विक चालक तार, यदि उसकी भौतिक अवस्था है जैसे ताप वगैरह टेम्परेचर ये न बदले, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, यह चालक तार के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो उनके सिरों के बीच विभवांतर आ जाएगा। विभवांतर आने से प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण पर बल लगता है। चालक तार में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उन पर बल लगेगा। यदि वह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो चालक तार में गति करने लगेंगे, परंतु चालक तारों में धनायन भी होते हैं, उनसे बारंबार उनका कोलिजन होगा, टक्कर होगी, तो उनको एक त्वरित वेग न मिल करके एक नियत वेग ही मिल पाता है, जिसको कहते हैं अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। तो ओम के नियम से, ओम के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से, अपवाह वेग से ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो माना एक धात्विक चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में स्मॉल एन है। तो यदि अनुगमन वेग vt हो तो चालक तार में बहने वाली धारा i इक्वल टू n e a vt आपको बताया जा चुका है। अच्छा, अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की हमारी परिभाषा है उसी के अनुसार चलेंगे। क्या होता है, चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो विभवांतर आ जाता है, या चालक तार की लंबाई l और विभवांतर v है तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र e इक्वल टू v बाई l होगा। अचालक तार में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई, तो F इक्वल टू QE से उस पर जो लगने वाला है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश ई है तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू QE, इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई होता है तो उसका आवेश लिख देंगे, और E की जगह ये जो V बाई L निकाले हैं वो इतना बल लगेगा। अब बल लगेगा यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल यंग है तो A इक्वल टू F बाई M से इलेक्ट्रॉन को कितना त्वरण उस पर उत्पन्न होगा, ये EV अपॉन ML है। तो अब ये क्या काम करेगा, इसी त्वरण से चलते हुए जाके धनायन से टक्कर लिया वेग शून्य, फिर जाकर के अगले धनायन से लेगा, तो ये V इक्वल टू U प्लस AT लगा करके टक्कर के ठीक पूर्व इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल लेते हैं। V इक्वल टू U, टक्कर लेगा तो जीरो, अगले धनायन से टक्कर लेने से पूर्व वेग v हो तो v इक्वल टू a इनटू tau। tau रिलैक्सेशन टाइम शांति काल है। बता दिया गया है कि दो धनायनों के बीच टक्कर का समय यदि tau हो तो ये हो जाता है, आप उसी को कहते हैं शांति काल, a इनटू tau। लेकिन जीरो से वेग v हुआ तो औसत वेग जो होगा वही अपवाह वेग या अनुगमन वेग है, तो अनुगमन वेग vt जो होगा ये 0 प्लस v बाई 2 हाफ a इनटू tau। a का मान रख देते हैं e v अपॉन ml, जो ये आया है वो i इनटू tau। अब ये vt का मान, ये खुद अपने आप में एक सूत्र है, इस vt का मान अब इसमें रखते हैं, ये इस वाले में, तो i इक्वल टू n e a vt का मान रख दिए। अब ये v अपॉन i निकालेंगे तो 2ml अपॉन n e स्क्वायर a इनटू tau। यदि चालक तार का ताप न बदले तो ये m निश्चित ही है, लंबाई बदले भी नहीं, n एकांक आयतन में ये जितने हैं सारे सब के सब नियतांक हैं, तो v अपॉन i नियतांक हो गया, और यही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन। ठीक।